अरे फ्रैंकलिन, तुम हमारे लैपटॉप में कितना देर गेम खेलोगे? अरे हमें भी गेम खेलने दो, तुम अकेले गेम खेले जा रहे हो। अरे यार आयरन मैन रुक जा भाई, मैं गेम में हूँ। अरे यार बंदे आगे, अरे मारो 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 मारो, अरे भागो 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 भागो, अरे मारो मारो भागो मारो भागो। आयला सर जी, मुझे नहीं लगता कि आपका लैपटॉप मिलने वाला है, ये आपका लैपटॉप का बटन तोड़ के ही देगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हमारा लैपटॉप है और हमें ही नहीं दे रहा। हल को भी गेम खेलना है, हल को भी लैपटॉप चाहिए। अरे यार तुम लोग तीनों शांत हो जाओ भाई, मैं गेम में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, अगर मर गया ना तो तुम लोग तीनों को नहीं छोड़ूंगा, चुप हो जाओ एकदम चुप चुप। अरे अरे फ्रैंकलिन, तुम गेम के चक्कर में हम लोग के ऊपर गुस्सा कर रहे हो। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ? उड़ी बाबा, तुम लोग सब शांत रहोगे तब ना मेरा काम होगा। मैं उतना देर से भविष्य देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तुम लोग सब गेम की बातें कर कर के मुझे गेम में ढकेले जा रहे हो। अच्छा अच्छा ऐसी बात है, कोई भी डॉक्टर स्ट्रेंज को परेशान नहीं करेगा। अरे लेकिन फ्रैंकलिन जल्दी से तो दे। उड़ी बाबा, ये लोग को समझाना बेकार है, मैं शांति मांग रहा हूँ और ये लोग हल्ला किए जा रहे हैं। अरे यार रुक जा आयरन मैन, रुक जा भाई, यार बहुत ही खतरनाक और इंस्टेंट मैच चल रहा है, मुझे खेलने दे, वन ऑन वन है, अगर मैं जीत गया ना तो सबको बर्गर खिलाऊंगा। चुप हो जा, अगर बस मुझे विनर चिकन डिनर मिलना चाहिए। अरे वाह, फ्रैंकलिन ही जीतेगा, विनर चिकन डिनर, फ्रैंकलिन जीतेगा और मुझे बर्गर खिलाएगा। उड़ी बाबा, फ्रैंकलिन जीतेगा, बर्गर खिलाएगा, फ्रैंकलिन तुम ही जीतोगे। अरे फ्रैंकलिन जल्दी खेल ले, इतना देर लगा रहा है। धत तेरी के भाई, यार हार गया, वो लास्ट का बंदा ना चीटिंग कर गया भाई, उसके पास टेलीपोर्टेशन पावर थी, इधर उधर जा रहा था और मुझे हरा दिया। ओ नो फ्रैंकलिन, इसका मतलब है कि तुम नोब निकले। नहीं नहीं मैं नोब नहीं हूँ, मैं प्रो हूँ। आयला फ्रैंकलिन तुम नोब निकले। अरे यार मैं प्रो हूँ। हल कहता है फ्रैंकलिन नोब है। अरे यार ये लोग मुझे नोब कह रहे हैं, गाइस आप ही लोग नीचे कमेंट करके बताइए, क्या मैं नोब हूँ, क्या मैं नोब देखता हूँ, क्या मैं नोब की तरह खेलता हूँ? नहीं ना, नीचे जाओ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ये लोग मुझे नोब कहते हैं। अच्छा बाय बाय टाटा, मैंने तो गेम खेल लिया, मैं घर जा रहा हूँ। ये क्या बात है फ्रैंकलिन, तुम गेम खेलने के लिए रोजाना एवेंजर्स हाउस आ जाते हो? अरे यार और तो करूँ तो करूँ क्या करूँ भाई साहब, इनके पास इतनी पावरफुल लैपटॉप है ना जिसमें गेम खेलने में मजा आता है, मतलब गेमिंग लैपटॉप है इसलिए तो मजा ही आ जाता है। चलो यार जल्दी से घर जाता है, ऐसे भी आज बहुत सारा काम है, चलो चलो जल्दी चलो। एक सेकंड, ये किसके साथ टक्कर हो गया? ए बच्चे दिखता नहीं क्या, धक्का देके चला गया। अरे यार इसे कहीं देखा लग रहा है। अरे भाई साहब मुझे देखा तुम क्यों लग रहे हो? मैं हर जगह दिखता हूँ। अरे यार पता नहीं कहाँ से पागल उठ के आ जाता है एवेंजर्स हाउस में। हटो यार जाओ अपना काम करो। भाई यार मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना, अपना कपड़ा धोना है, ऊपर से ये लोग बकलोलियत कर रहे हैं। और यार ये बंदे को शायद मैंने गेम में देखा था, यार यही तो लास्ट बंदा था, पता नहीं यार समझ नहीं आ रही ये बंदा था कौन। मैं हूँ इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज का बदला लेने जो आया हूँ, उसका टाइम स्टोन लेने के लिए आया हूँ, मुझे जल्दी जल्दी टाइम स्टोन चाहिए। पता चला है डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन यूज कर रहा है, तो मुझे जल्दी से जल्दी टाइम स्टोन चाहिए। अरे वाह ये रहा डॉक्टर स्ट्रेंज। एक सेकंड, अब तुम कौन आ गए, अपना परिचय बताओ। हाँ तुम कौन आ गए? उड़ी बाबा यहाँ पे कोई भी आ जाता है क्या? आयरन मैन सर जी? नहीं, ये जरूर कुछ मकसद से आया होगा, जल्दी बताओ तो वरना अवेंजर्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं मालिक, मैं बस आप लोगों को छोटा सा प्रदर्शन दिखाने के लिए आया हूँ, एक छोटा सा मैजिक। हल को मैजिक पसंद है। अब आएगा ना मजा, मैं आप लोगों को मैजिक से कुछ भी करके दिखा सकता हूँ, आप जो बोले। मैं कबूतर निकाल सकता हूँ, किसी को गायब कर सकता हूँ, आपको का याददाश्त भी बुला सकता हूँ। अरे वो मतलब तुम किसी को भी याददाश्त बुला सकते हो, एक काम करो हल्का बुला दो। आइला सर जी हल्का बुला दो। हाँ हल्का बुला दो। नहीं ये तुम लोग दोनों क्या बोल रहे हो? ठीक है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हल्का याददाश्त भुला दो। अरे ये क्या होने लगा। अरे हल चिंता मत करो, तुम्हारा सिर्फ याददाश्त खो जाएगा और ये जादूगर वापस ले आएगा। ये याददाश्त वाला मंत्र तो था ही नहीं, ये तो बेहोशी वाला मंत्र था। अब हल थोड़े देर बाद बहुत देर तक बेहोश रहेगा। अरे ये क्या, हल्क बेहोश कैसे हो गया? मैंने तो सिर्फ इसका याददाश्त बुलाने के लिए बोला था, तुमने इसे बेहोश कर दिया। एक सेकंड, स्पाइडी तुमको भी क्या हो गया, तुम भी बेहोश हो गए, ये तुमने क्या किया, तुम कौन हो जल्दी बताओ। अब तुम्हारा भी बेहोशी वाला टाइम हो गया, मैं कोई जादूगर फादूगर नहीं, मैं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हूँ। यहाँ पे सभी लोग सो गए हैं, अब मुझे कुछ भी करके वो टाइम स्टोन चाहिए, तो चलो टाइम स्टोन लेने के लिए। आज डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन दे दो, ये लो। अरे इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये लो।
और लो अब आएगा ना मजा। फाइनली मैंने टाइम स्टोन ले लिया। ये ले बहुत टाइम से टाइम स्टोन रखा हुआ था और यूज कर रहा था। अब टाइम स्टोन मेरे पास रहेगा। अब आएगा ना मजा लॉस सैंटोस में टाइम स्टोन का हरदम मचाएंगे। चलो आ जाओ टाइम मशीन का यूज किया जाए। अरे वाह मैं तो उड़ भी सकता हूँ। अरे वाह ये तो कमाल की बात है। चलो एक काम करता हूँ टाइम मशीन की पावर चेक करता हूँ। अरे वाह मैं तो पोर्टल बना लिया। अभी मैं पोर्टल से इधर उधर जा सकता हूँ। ये तो कमाल की बात है ये लोग लूप में फंस गए। आगे पीछे ही होते रहेंगे क्या। चलो अच्छा है और कुछ भी पावर ट्राई करते हैं। अरे मैं तो सारी गाड़ियों को भी उठा सकता हूँ। ये लो इधर आ जाओ गाड़ियों जल्दी ऊपर आ जाओ। अरे वाह मैं तो सारी गाड़ियों को ऊपर उड़ा रहा हूँ। मेरे ऊपर ही ऊपर रहोगे ताड़ी गाड़िया। वाह 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 वाह। ऊपर आ जाओ सारी गाड़ियाँ ऊपर आ जाओ। देखने में क्या ही कमाल का लुक आ रहा है। सारी गाड़ियाँ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ। ट्रक भी तुम भी ऊपर आ जाओ। अरे आ जाओ शर्माओ मत आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ अच्छा हुआ तुम आ ही गए। सारा चीजों को ऊपर ही ऊपर ला लूंगा। आ जाओ थोड़ा देखूं मार्कर क्या होता है। ये लो आग ले लो थोड़ा सा। ये लो आग लो सबको आग लो। ये लो इधर आओ तुम भी खाओ आग थोड़ा बहुत। अब देखता हूँ मैं खतरनाक सा पोर्टल ओपन कर दूंगा उसे देखता हूँ क्या होता है। ये लो आ जाओ सारी गाड़ियों को जल्दी जल्दी नीचे फेंकता हूँ। अब तबाही का टाइम आ चुका है। अब कोई भी लॉस सैंटोस में मुझे रोक नहीं सकता। अब तो मैं सुपर विलन कहलाऊंगा। मेरे पास वैसे भी नकली का था डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू अब मेरे पास असली का आ चुका है। अब आएगा ना मजा अब हर जगह मजा करेंगे। अरे यार ये क्या हो गया मतलब कि भाई मैं लॉस सैंटोस में क्या सुन रहा हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज इवल बन चुका है और वो हर चीज को तहस महस कर रहा है। भाई गाड़ी और फाइल हर चीज को तहस महस करके रख दिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज तुम कहाँ पे हो भाई। जल्दी जल्दी मुझे अवेंजर्स लोग को ढूंढना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये चल क्या रहा है भाई ये हो क्या रहा है। अरे चलो चलो जल्दी चलो। एक सेकंड भाई ये क्या चल रहा है भाई सब लोग सोए हुए क्यों है। अरे यार कोई मुझे बताएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अलग लेटा पड़ा है। अरे यार डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तो वो टाइम स्टोन है ही नहीं है वो तो खाली है। और एक सेकंड यहाँ पे स्पाइडरमैन हल्क और भाई आयरन मैन सब लोग सोए हुए है। भाई यहाँ पे हुआ क्या है मेरे जाने के बाद मुझे तो सच में समझ ही नहीं आ रहा। किसी ना किसी से तो पूछना पड़ेगा। अरे भाई जल्दी जल्दी उठ जा। एक काम कर तो पानी डालता हूँ ये ले जल्दी उठ जा जल्दी उठ जा। अरे हल्क जल्दी से उठ जा भाई और तू भी उठ जा पानी ले ये ले जल्दी जा। चलो यार ये तीनों तो उठ चुके हैं बट यार यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज तू क्यों नहीं उठ रहा। अरे भाई ये तो उठ ही नहीं रहा। अरे बाप रे ये हमारे साथ हो क्या गया था हम लोग सो क्यों गए थे। हल्को उसने बेवकूफ बनाया। आयला सर जी वो हमें बेवकूफ बना के कुछ लेके चला गया और हमें बेहोश करके भी चला गया। अरे हाँ मुझे भी ऐसा लगता है बट वो अवेंजर्स हाउस से क्या लेके गया होगा क्या ही है हमारे पास इतनी कीमती चीज। अरे यार उसने लेके चला गया वो टाइम स्टोन लेके चला गया डॉक्टर स्ट्रेंज का। और भाई लॉस सैंटोस में हर जगह तबाही मचा रहा है इधर उधर भाई हर चीज कर रहा है टाइम स्टोन से। अब करे तो करे क्या। ओह नो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। टाइम स्टोन को रोकना तो नामुमकिन है हम लोग नामुमकिन चीज को कैसे करेंगे फ्रैंकलिन। अरे यार मैं भी तो वही सोच रहा हूँ भाई एक तो भाई वो पागल सरफिला डॉक्टर टाइप का दिखता है बोलते है इवल डॉक्टर स्ट्रेंज है और वो टाइम स्टोन को कुछ भी कर देगा भाई हमें जल्दी जल्दी उसे रोकना पड़ेगा। अरे हाँ हमें कुछ भी करके डॉक्टर स्ट्रेंज को जगाना पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज जागो जल्दी जागो ये लगता है ये ऐसे नहीं जागेगा। जार्विस जल्दी जल्दी डॉक्टर स्ट्रेंज का ख्याल रखना हम लोग तुरंत आते हैं। हाँ सर मैं तुरंत हॉस्पिटल में फोन करता हूँ और डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई डॉक्टर देखने के लिए आ जाएगा। अरे हाँ बहुत ही बढ़िया। अरे यार कितना फनी साउंड कर रहा है मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को ठीक करने के लिए डॉक्टर आएगा। अरे फ्रैंकली इसमें भी फनी क्या है मतलब डॉक्टर लोग को भी तो डॉक्टर की जरूरत पड़ी जाती है। हाँ हाँ सही बात है बट पड़ी जाती है बट इधर थोड़ा ज्यादा फनी लग रहा है। ये सब फनी उनी कुछ नहीं है हमें कुछ भी करके लॉस सैंटोस को बचाना पड़ेगा। अवेंजर्स असेंबल हो जाओ अभी हम लोग चल रहे हैं लॉस सैंटोस को बचाने के लिए। सॉरी अवेंजर्स जल्दी से गाड़ी में बैठो जल्दी से बैठो। अरे वाह आयरन मैन ये गाड़ी तो बहुत ही कमाल की लग रही है। लग रही है ना कमाल की मैंने खुद बनाई है। अरे यार क्या ही बात है मतलब आयरन मैन का भाई से गाड़ी भी खरीदनी नहीं पड़ती ये खुद ही बना लेता है। सच में यार आयरन मैन तुम्हारा लाइफ भी कमाल का है। ये सब चीज छोड़ो जल्दी जल्दी जार्विस मुझे ये बताओ ये इवल डॉक्टर स्ट्रेंज अभी है कहाँ पे। सर अब ये रडार में दिखाई नहीं दे रहा ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ों के बीच बीच चला गया। ओ नो लगता है हमें पहाड़ों में जाना पड़ेगा पता नहीं वो पहाड़ों में तपस्या कर रहा है क्या। अरे यार मुझे भी ऐसा लगता है भाई वो रहा डॉक्टर उसके बाद स्ट्रेंज उसके बाद इवल भाई वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा ऐसी बात है चलो ठीक है हम लोग अपना पूरा जोर लगाएंगे उसे रोकने के लिए और उससे वो टाइम स्टोन छीन लेंगे।
भाई अगर ऐसा लगता है तो चलो, क्योंकि टाइम स्टोन इतनी आसान चीज नहीं है जो हम लोग 2 मिनट में छीन पाए। वो भाई बहुत ही खतरनाक पत्थर है। हल्क छीन लेगा, चिंता ना करो। हल्क छीन लेगा, चिंता ना करो। अच्छा भाई ठीक है, हमारे साथ हल्क है तो क्या ही दिक्कत वाली बात है, हल्क तो छीन ही लेगा। चलो चलो जल्दी चलो आयरन मैन, जल्दी चलो। हाँ चल रहे भाई, चल रहे, जल्दी चल रहे, चलो चलो जल्दी चलो। पता नहीं यार आयरन मैन, तुम कौन सा जंगल में लेके जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। एक पहाड़ ऊपर से पानी, ऊपर से जंगल। अरे फ्रैंकलिन मैं लेके नहीं जा रहा, ये मुझे जार्विस लेके जा रहा है। जहाँ पे लोकेशन है वही ना लेके जा रहा है। हाँ सर यहीं पे है, आसपास कहीं ना कहीं लोकेशन ट्रैक हो गया। अब आएगा ना मजा, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को, इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म कर देंगे। सारे एवेंजर्स तैयार हो जाओ फाइट के लिए। ही ही ही, क्या तुम लोग सब जादू देखना चाहोगे? अरे यही है, यही है, इसी ने मुझे बेहोश किया था। अरे भाई ये नहीं, यही है, यही है जो गेम में हैकर था, जिसने मुझे लास्ट टाइम में विनर विनर चिकन डिनर से रोका था। भाई इसी ने मुझे कुछ करके पीछे भेज दिया था और मार दिया था। इसका मतलब है फ्रैंकलिन, हम लोग की तो इसकी जानी दुश्मनी होनी चाहिए, अब तो इसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे खत्म कर देंगे। भाई इसने मुझे गेम में हराया है। लगता है इन लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। बच्चे लोग बड़े हो गए क्या? तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, देखना चाहोगे? तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे डॉक्टर स्ट्रेंज, इवल डॉक्टर स्ट्रेंज। तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम जल्दी जल्दी स्टोन हमें दे दो, तो वरना तुम जान से जाओगे। तुम्हें ये लगता है? जैसा लगे वैसा लगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें क्या लगना चाहिए, तुम्हें डर लगना चाहिए। ये लो। ओ नो, नाक में मारा इसने। अब देखो मैं मारता हूँ कहाँ का। ये लो, कैसा लगा? चारों तरफ से फेंका गए। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ही ही ही, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ये लो। उड़ी बाबा, मुझे नहीं लगता कि अवेंजर्स लोग कुछ भी करके टाइम स्टोन को रोक पाएंगे। सिर्फ एक ही है जो टाइम स्टोन को रोक पाएगा, वो है पावर स्टोन। जल्दी जल्दी विजन जाग जाओ, अब तुम्हारे जागने की टाइम आ चुकी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी जल्दी जागो। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं ये से कैसे हो गया? उड़ी बाबा, तुमको बहुत ही स्पेशल मिशन के लिए उठाया गया है। मेरा टाइम स्टोन एक बहुत ही इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने चुरा लिया है, तुमको सिर्फ वो वापस लाना है। अच्छा मैं मिशन समझ गया, मुझे सिर्फ टाइम स्टोन को वापस लाना है। ठीक है मैं ले आता हूँ। मैं बहुत पावरफुल फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जार्विस, जार्विस तुम कहाँ पे हो? अरे ये आवाज क्यों नहीं दे रहा? जार्विस क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ मैं सुन भी पा रहा हूँ और देख भी पा रहा हूँ। मुझे पता है इसे मारना है। ये लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने सबको मारा, अवेंजर्स हाउस को मैं घुस करके मारा। लाओ इधर लाओ, जल्दी जल्दी मुझे टाइम स्टोन दो। फाइनली मुझे टाइम स्टोन मिल गया। अरे यार मतलब कि कमाल हो गया गाइस, मतलब वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हमें इतना मार रहा था कि हम लोग उसे छू भी नहीं पाते। बट यार कहां से विजन आ गया और भाई इसने 2 सेकंड में उसे धूल चटा दिया। भाई ऐसे कैसे? उड़ी बाबा, जब मुझे पता चला कि मेरा टाइम स्टोन गायब है और इविल के पास है, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, तभी मैं समझ गया था हम लोग मिल करके कभी नहीं उसे लड़ सकते। इसलिए मैंने विजन को जगाया, क्योंकि विजन के पास सबसे ताकतवर स्टोन है और वो सबसे लड़ सकता है। ऐसी बात है, मतलब कि अब हमारा अवेंजर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि गाइजर हमारे पास विजन भी आ चुका है। मतलब यार सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल कैरेक्टर आ चुका है, तो यार अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता। मैंने सही कहा ना आयरन मैन? नहीं फ्रैंकलिन, तुमने सही तो कहा है, बट हमें मुसीबत आने वाली है, क्योंकि विजन के आने के बाद बहुत सारे ब्रह्मांड में पता चल चुका है कि अर्थ में बहुत ही खतरनाक सा एक बहुत ही खतरनाक सुपर हीरो आ चुका है, और वो लोग आ ही रहे होंगे हम लोग से लड़ाई करने के लिए। इसीलिए हमें और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। अरे यार इसका क्या मतलब, अभी और लड़ाई होंगे क्या? और नहीं तो क्या, अभी और भी लड़ाई और भी मारपीट होगी। तो दोस्तों अगर आपको देखना है तो बस क्या करना होगा, चाहूंगे सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और हाँ यार, अगर आपने अभी तक ये वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो, और नीचे कमेंट करके बताओ कि आज के वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसी तरीके से खतरनाक खतरनाक वीडियो लाते रहते हैं। एंड गाइस हमें फेसबुक में फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।